हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो साथियों, ये आपका कंजक्शन का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने कंजक्शन के जितने भी टाइप थे उन सारे टाइप को कवर किया, और अब बारी है कंजक्शन के इंपॉर्टेंट रूल को देखने की, है ना, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो देखिए साथियों, रूल नंबर 1 है आपका देखिए ये थोड़ा पीडीएफ का थोड़ा सा इशू है ये कुछ, ठीक है, इसे आप इग्नोर करेंगे। चलिए रूल नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। देखिए रूल नंबर 1 में 4 कंजक्शन दिए गए हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 में 4 कंजक्शन दिए गए हैं। अब देखिए इन चारों कंजक्शन के बारे में कुछ बातें बताई गई है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कंजक्शन है। तो सबसे पहला है एंड, ठीक है, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है बोथ और एंड, ये आपका पेयर वर्ड थे, और आखिरी है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये चारों कंजक्शन जो है साथियों, इसके बारे में बात की गई है कि ये चारों कंजक्शन का प्रयोग नाउन को जोड़ने में, ठीक है, प्रोनाउन को जोड़ने में करते हैं, और साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी जोड़ने में करते हैं। लेकिन नाउन प्रोनाउन को तो हम लोग इजीली जोड़ लेते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव की बात होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव कोई भी हो, या तो डिजायरेबल हो या फिर अनडिजायरेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो ही एडजेक्टिव को ये कंजक्शन जोड़ सकते हैं। क्लियर साथियों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, देखिए यहां पर इंटेलिजेंट आया और हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो देखिए दो को ऐड कर रहा है। अगला देखिए ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी, तो देखिए डिसऑनेस्ट और लेजी, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ये जो ये चारों कंजक्शन है ये दो एडजेक्टिव्स को ऐड करता है, जोड़ता है। क्लियर, तो ये आपका रूल नंबर 1 था। चलिए बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 है साथियों कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विद अलोंग विद एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड्स एक्सेप्ट रादर देन ए कंप्लेंट बाय, देखिए इतना कंजक्शन अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, ठीक है। और ये रूल देखिए, ये रूल कोई नया रूल नहीं है, ये रूल सेम रूल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में भी ये देखा था, ठीक है, ये टॉपिक भी कवर कराया जा चुका है। तो अगर आप वो लेक्चर देख चुके हैं तो ये रूल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए रूल यही कह रहा है कि ये जितने भी कंजक्शन है, एज वेल एज विद, ये जितने भी कंजक्शन है, इसका प्रयोग अगर रहेगा तो उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है, वो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर, चलिए एग्जांपल इसका देख लें। देखिए एग्जांपल है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब देखिए यहां पर गलती कहां होता है, देखिए हिज फ्रेंड्स है, उसके बाद यहां इज का प्रयोग हुआ। आपको लगेगा अच्छा हिज फ्रेंड्स ये तो प्लूरल है, यहां पर आर होना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको क्या बताया कि ये जितने भी आपके कंजक्शन थे उसमें एज वेल एज भी आते थे। तो अगर एज वेल एज का प्रयोग हो गया तो उसके बाद जो भी वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, वर्ब क्या है यहां पर, वर्ब का प्रयोग होना है तो वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। देखिए पहला सब्जेक्ट कौन है, राम, राम क्या आपका, राम सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आर नहीं होगा बल्कि इज का जो प्रयोग है वही सही होगा। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब देखिए फिर से आपको लगेगा अच्छा पेरेंट्स है मतलब प्लूरल, तो यहाँ आर होना चाहिए था, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर, है ना, फिर से एंड नॉट का प्रयोग है, और एंड नॉट का प्रयोग होने के कारण इसका पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। तो पहला क्या था, ही आपका सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर, ठीक है, तो ये सही हो गया। तो बात क्लियर हो गया होगा, ये सारे कंजक्शन जितने भी आपके रूल नंबर 2 में दिए गए थे सारे को अंडरलाइन करके आप समय समय पर रिविजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है साथियों कि कई बार कंजक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। होता है साथियों कि कंजक्शन का प्रयोग सही होता है लेकिन जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब देखिए कभी भी जब ऐसा पेयर वर्ड हो, ठीक है, कभी भी कंजक्शन का इस्तेमाल करना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, पेयर वर्ड में हमेशा गलतियां होती है। देखिए जो बाद का जो आपको करना क्या, सिंपली मैच कराना है, ठीक है, क्या मैच कराना, देखिए यहां पर नॉट ओनली था, यहां पर बट ऑल्सो था। अब आपको चेक करना कि बट ऑल्सो किसके पहले है, तो बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स के पहले, ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड खोजिए। तो हिज पेरेंट्स का सिमिलर क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स, तो मतलब नॉट ओनली का प्रयोग हिज फ्रेंड्स के पहले आना चाहिए था। क्लियर साथियों, तो देखिए यहां पर नॉट ओनली का प्रयोग यहां पर गलत होगा बल्कि इसके जगह पर हिज फ्रेंड्स के पहले नॉट ओनली का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है कि सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। फिर से देखिए और का प्रयोग वर्ब के पहले किया गया, ठीक है साथियों, और का प्रयोग वर्ब के पहले किया गया तो आइदर का प्रयोग भी वर्ब के पहले होना चाहिए था। अब देखिए आइदर का प्रयोग क्वाइटली के पहले जो कि गलत है, ठीक है, तो हमें आइदर का प्रयोग वर्ब के पहले, देखिए वर्ब कौन है, सिट है,
तो फर्स्ट वर्ब के पहले आइदर का प्रयोग करना होगा, तो आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए कि नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉर का जो प्रयोग है फिर से वर्ब के पहले, नॉर का प्रयोग किसके पहले, वर्ब के पहले, तो नाइदर का प्रयोग भी वर्ब के पहले होना चाहिए था। नाइदर का प्रयोग देखिए यहां पर द पुअर के पहले, तो ये गलत हो गया, ठीक है। द पुअर विलेजर्स के पहले नाइदर का प्रयोग, ये गलत हो गया यहां पर, बल्कि नाइदर का प्रयोग ग्रो के पहले होना चाहिए था। फर्स्ट वर्ब कौन है आपका, ग्रो, तो यहां पर ग्रो के पहले इसका होना चाहिए था। तो देखिए इसको सही करके अगर लिखेंगे तो देखिए अब हो जाएगा द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, अब ये सही हो गया आपका, क्लियर। तो ये बातें आपके ध्यान में रहेगी हमेशा, ठीक है। चलिए अगला है साथियों रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर है कि कंजक्शन जब जोड़े में हो तब जोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार होता है कि पेयर वर्ड हम लोग करते हैं लेकिन उल्टा पेयर बना देते हैं ना, जिसके साथ होना चाहिए था उसके साथ नहीं होता। तो नीचे कुछ कंजक्शन के पेयर वर्ड दिए गए, उन सारे कंजक्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है दो और येट, ठीक है। दो येट, दो का प्रयोग है तो येट होना चाहिए, या फिर दो के बाद कॉमा भी अगर है तो सही होगा, ठीक है। दो और कॉमा का भी पेयर सही होता है और दो और येट का भी जो पेयर होता है वो सही होता है। अगला देखिए ऑल्दो और येट, इसके साथ ही वही कहानी है कि ऑल्दो येट का भी प्रयोग सही होता और ऑल्दो कॉमा का भी प्रयोग सही होता है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है नो सूनर देन, ठीक है। देखिए यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि देन के जगह पर बहुत बार दिन लिखा रहता है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि नो सूनर के बाद, नो सूनर का पेयर वर्ड जो है वो देन है ना कि दिन, ये नहीं है बल्कि ये है, ठीक है। चलिए अगला हार्डली स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग होता है, ठीक है। एज एज ये पेयर वर्ड है, सो एज ये भी पेयर वर्ड है, ठीक है। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग, टू के टी डबल ओ टू के साथ टी ओ टू का प्रयोग, ठीक है। सो डैट, बिटवीन एंड, तो ये सारे हैं कंजक्शन के पेयर वर्ड, ठीक है। और भी है देखिए फ्रॉम टू, एल्स देन, ठीक है, अदर या फिर रादर देन। यहां भी ध्यान रखना देन के जगह पर वो देन टी एच ई एन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगला देखिए अगला सच डैट, वेदर और द सेम डैट, अगर द सेम है तो बाद में कहीं ना कहीं डैट का प्रयोग होना ही चाहिए। अगला बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, कंजक्शन के पेयर वर्ड थे, ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। अब देखिए बारी बारी से कुछ का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब देखिए दो है तो बाद में देखिए बट का प्रयोग कर दिया गया, और आपको पता है कि दो के साथ किसका प्रयोग होता है, येट का या फिर कॉमा का। अब अगर कॉमा नहीं है तो येट तो जरूरी है, तो हमें क्या करना होगा कि बट के जगह पर येट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो सेंटेंस है वो सही हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। अब देखिए यहां पर बोथ का प्रयोग है और एज वेल एज कर दिया, जो कि गलत हो गया। अब खुद ही सोचिए बोथ के साथ एज वेल एज का प्रयोग होता है क्या, नहीं होता। बोथ के साथ किसका प्रयोग होता है, तो बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है साथियों, ठीक है। बोथ के साथ किसका प्रयोग होता है, एंड का, तो एज वेल एज की जगह पर क्या लिखना होगा हमें, एंड, क्लियर। चलिए अगला देखिए थर्ड नंबर एग्जांपल, द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अब देखिए बिटवीन और एंड ये सही है, ठीक है, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग ये सही होता है। अगला देखिए द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, देखिए फ्रॉम टू का पेयर, ये भी सही है। अगला देखिए आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। अब फिर से देखिए नो अदर, यहां ध्यान दीजिएगा नो अदर है और उसके साथ बट का प्रयोग कर दिया, क्लियर। नो अदर के साथ किसका प्रयोग कर दिया, बट का प्रयोग, जो कि गलत होता है। नो अदर के साथ किसका प्रयोग होता है साथियों, अभी बताया गया आपको, देन का, ठीक है, टी एच ए एन देन का प्रयोग होता है नो अदर के साथ, ठीक है। चलिए अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 7, वो है आपका नथिंग इल्स बट एरोगेंस रुइंड हिम। अब समझिएगा साथियों यहां पर कि देखिए यहां पर इल्स बट है, तो इल्स बट बताइए पेयर वर्ड होता है कि नहीं होता है, तो इल्स वर्ड सॉरी इल्स बट पेयर होता है, तो पेयर अगर होता है तो ये आपका सही हो गया, क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल है कि ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट। अब समझिएगा कि और के साथ किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इफ और का पेयर कोई होता है क्या, आप चेक करिए इफ और का कोई पेयर नहीं होता, ठीक है, वेदर और का पेयर होता है। तो यहां पर गलत क्या हो गया, गलत आपका इफ हो गया, ठीक है। तो इफ यहां पर नहीं होना चाहिए था, तो इफ अगर नहीं होना चाहिए था तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, तो इसके जगह पर वेदर होना चाहिए था, क्लियर। तो यहां पर इफ के जगह पर हम क्या लिख देंगे, इफ के जगह पर वेदर लिख देंगे। अब ये देखिए ये सही हो गया, पहला वाला गलत था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जहां पर पेयर मिसिंग होता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका कंजक्शन का अगला रूल है रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 में दो कंजक्शन के बारे में बताया गया, सबसे पहला है सो डैट और दूसरा है टू टू, ठीक है। देखिए दोनों का मतलब वही होता है, इतना कि, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब दोनों का यूज हमें देखना है, ठीक है, दोनों का यूज हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि आई एम सो हैप्पी, तो उसके जगह पर हमें यूज, देखिए यहां पर सो अकेले इस्तेमाल नहीं होगा,
यहाँ पर सिंपली सो के जगह पर लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी, ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो सो का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से समझिएगा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से। देखिए यहाँ पर सो डैट और टू टू का इस्तेमाल बताया गया कि सो डैट का अगर प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे और टू टू का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का पहला देखिए, पहला है आपका कि ही इज सो टायर्ड डैट ही कैंट वॉक। तो यहां पर समझिएगा साथियों कि यहां सो डैट के जगह पर टू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं, क्लियर। तो आपको एक बात हमेशा देखना होगा कि अगर सो डैट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये पक्का निगेटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होना ही होगा इसको, ठीक है, दूसरे पार्ट में। और अगर टू टू का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव वहां नहीं होगा। तो देखिए अगर इसे हम टू टू में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ही इज सो टायर्ड डैट ही कैंट वॉक। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ही इज टू टायर्ड टू वॉक। देखिए यहां पर कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, यहां नो नॉट नहीं है, तो अब ये सही हो गया। तो सो डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन निगेटिव होना चाहिए, और टू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला सेकेंड है कि इट इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है, यही तो है आपका, इट इज टू हॉट टू गो आउट। अब देखिए टू टू का प्रयोग है यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर सो डैट का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे कि बाद वाला जो है वहां पर हमें निगेटिव ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि इट इज सो हॉट डैट वी कैन नॉट गो आउट, क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर हमने ऐड किया कुछ। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल नंबर थर्ड है कि सी इज सो वीक डैट सी कैन नॉट वॉक। ये आपका सो डैट का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर देखिए नॉट वाला पार्ट था, ठीक है। अगर इसे हमें चेंज करना होगा सिंपल में, ठीक है, टू टू में चेंज करना हो तो हमें यहां से नॉट वाला हटाना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहां से हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सी इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। अब ये एकदम सिंपल हो गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप यहां से आपका क्लियर हो रहा होगा कि सो डैट का प्रयोग अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और अगर टू टू का प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल है कि दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व इट। अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत है साथियों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फोर इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। यहाँ आपको ये समझना होगा कि अगर नो वन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, नो वन है, अगर हमें सो डैट है तो नो वन, यहाँ पर अगर चेंज करेंगे टू टू में तो किस तरीके से चेंज करेंगे। तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो नो वन था, ठीक है, तो यहाँ नो वन के जगह पर हमें एनी वन लिखना होगा, नो वन के जगह पर क्या लिखना होगा, एनी वन लिखना होगा। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो टू सॉल्व है वो आपका इसके मतलब अंत में जाएगा, टू सॉल्व कहाँ जाएगा साथियों, अंत में जाएगा, बीच में फोर प्लस एक और अलग टर्म यहाँ एंट्री लेगा, वो है आपका एनी वन, ठीक है। नो वन के जगह पर यहाँ पर क्या एंट्री लेगा, नो वन के जगह पर यहाँ पर एनी वन का एंट्री होगा, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से था, ठीक है, क्योंकि यहाँ सो डैट से हमने टू टू में चेंज किया तो इस तरीके से ये चेंज हुआ, तो ध्यान रहेगा आपका। चलिए इसका एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फाइव, एग्जाम्पल नंबर फाइव है कि इट इज सो एक्सपेंसिव डेट आई कैन नॉट बाई इट। अब देखिए ये सो डेट था तो आगे कैन नॉट, अगर हम इसे चेंज करेंगे टू टू और टू में तो देखिए कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज टू एक्सपेंसिव। अब देखिए टू बाई तुरंत नहीं लिख सकते, टू बाई को हमें अंत में भेजना होगा, ठीक है, टू बाई यहां चला गया। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले इसको देखिए, टू बाई अंत में चला गया और शुरुआत में आ गया फोर मी टू बाई इट। अब देखिए अब सवाल उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, हमने बीच में फोर का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर उसी के बारे में पॉइंट लिखा हुआ है साथियों कि अगर टू सॉल्व के पहले एनी वन का उल्लेख अगर नहीं करेंगे तो सॉल्व का जो सब्जेक्ट है वो वहां पर दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है, वाक्य का अलग अर्थ निकलेगा, वाक्य का जो अर्थ है जो हो रहा था वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि अगर डैट के बाद सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, ठीक है, अगर डैट के बाद सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो तो 2 प्लस वी वन के पहले सेकेंड सब्जेक्ट का एकदम होना जरूरी है। जैसा देखिए फिर से मैं एक बार बताता हूं, देखिए यहां पर क्या हो रहा, सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, नो वन का एनी वन हो रहा था, तो क्या करेंगे हम, देखिए 2 प्लस वी वन के पहले यहां पर सब्जेक्ट यहां पर चेंज कर दिए, ठीक है, 4 एनी वन कर दिए, इससे पहले लिख दिए। उसी तरीके से यहां देखिए अगला देखिए यहां पर 5 नंबर, 5 में देखिए लास्ट में आई था, ठीक है, तो आई था तो ये चेंज हो रहा है सब्जेक्ट, ठीक है, तो आई के जगह पर हमें मी लिखना था, तो अगर मी लिखना था तो ये चेंज हो रहा है साथियों, यहां पर ये चेंज कर रहा है, तो हमें टू बाई के बाद इसको नहीं लिख सकते, क्लियर, टू बाई के बाद इसको नहीं लिख सकते, तो टू बाई के बाद अगर नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, इसके पहले लिखेंगे फोर मी, ठीक है, यही तो रूल ये कह रहा था आपका, तो ये बातें आपके ध्यान में रहेगी। इसका देखिए एक और तरीका लिखने का है कि इसको हम लोग पैसिव के फॉर्म में लिखें, समझिएगा, पहला तरीका तो ये सिंपल था, दूसरा तरीका है कि इसको पैसिव के फॉर्म में लिखें।
देखिए कैसे, अब देखिए फोर नंबर और फाइव नंबर एग्जांपल को मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए फोर नंबर एग्जांपल आपका है कि दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड। देखिए पहले क्या था, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीवन टू सॉल्व इट, तो इसको लिख सकते हैं टू बी सॉल्वड बाय एनीवन, ये लिख सकते हैं। देखिए पैसिव में यही तो होता है, टू प्लस वी वन का क्या होता है, पैसिव टू प्लस वी वन का क्या हो जाता है, टू बी वी वन, है ना, यही तो होता है टू प्लस बी प्लस वी वन। तो हमने क्या किया कि टू वी वन को हमने चेंज कर दिया टू बी वी, सॉरी टू बी वी थ्री में, सॉरी यहाँ बी वन का वी थ्री हो जाएगा, तो टू बी वी थ्री में चेंज कर दिया हमने, क्लियर। और साथ ही साथ बाई प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अंत में चला गया, क्लियर, तो टू बी सॉल्वड बाई एनी वन, ऐसे हो जाएगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल था आपका एग्जाम्पल नंबर फाइव, उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फाइव है, देखिए पहले क्या था कि इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट। अब देखिए टू बाई का क्या बना, टू बी बाउट, ठीक है, टू प्लस वी वन था इसका क्या बनेगा, टू बी वी थ्री, यही तो बनेगा, तो टू बी बाउट बन गया, क्लियर। अब देखिए यहां पर जब टू बी बाउट हो गया तो आपका जो फोर मी पहले लिखा हुआ था इसको हम अंत में भेजेंगे और बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था तो बाई प्लस मी हो गया, क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला रूल है आपका रूल नंबर सिक्स। अगला रूल नंबर सिक्स में, इसमें भी दो कंजक्शन के बारे में बात हुई है, पहला है नाइदर नॉर, दूसरा है आइदर और, ठीक है। नाइदर नॉर का प्रयोग कहां करेंगे, आइदर और का प्रयोग कहां करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, नाइदर नॉर का अर्थ क्या होता है और आइदर और का अर्थ क्या होता है। तो नाइदर नॉर का अर्थ होता है साथियों दो में से एक भी नहीं, ठीक है, अगर कोई भी दो वस्तु है, दो व्यक्ति है, उसमें से अगर किसी को नहीं चुनना तो हम लोग नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग आइदर और का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, यही तो है, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। अब देखिए ना राम आया ना श्याम आया, तो दोनों में से एक भी नहीं, तो नाइदर नॉर का प्रयोग हो गया, क्लियर। और नाइदर नाम सॉरी नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो यहां भी देखिए दोनों के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके साथ भी इसका प्रयोग बताया गया। देखिए नाइदर राम नॉर श्याम, तो यहां देखिए नॉर के बाद जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, यहां एक बात और आपको सीखनी है कि देखिए नाइदर नॉर था तो नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद का वर्ब होगा, क्लियर। देखिए नॉर के बाद क्या था, श्याम था, श्याम क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अगर सिंगुलर ये था तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा, क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देखें, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और अगर ये प्लूरल हो गया तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा, हैव का प्रयोग, बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जांपल है कि हैज राम और हिज फ्रेंड्स कम। अब फिर से देखिए हैज का प्रयोग, यहां देखिए यहां आपका वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो यहां किस वर्ब का प्रयोग होगा, तो उसके नियर, जो उसके सबसे पास में है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए उसके पास में कौन है, राम है, तो राम आपका सिंगुलर है, तो यहां भी हैज का प्रयोग हो गया। अगर यहां पर प्लूरल होता तो हैज के जगह पर हैव होता, तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये जो पॉइंट था आपका, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट था, वही पॉइंट मैंने आपके बीच में भी डिस्कस किया। क्या पॉइंट था कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर और, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को इससे जोड़ा जाए, ठीक है, फिर से नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, नॉर हो या फिर और हो, अगर इससे जोड़ा जाए तो वर्ब जो है अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल आया था, तो ये फिर से रिपीट कर गया, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी इसमें। चलिए अगला रूल है रूल नंबर सेवन, रूल नंबर सेवन देखते हैं। रूल नंबर सेवन है साथियों कि नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ, इसमें नाइदर ऑफ का देखने वाले हैं यूज और आइदर ऑफ का। तो सबसे पहले बात करें कि नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो नाइदर ऑफ का अर्थ होता है कि दो में से एक भी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर दो से अधिक है, ऐसा समझिए कि अगर दो लोगों में से एक को, दो में से एक को चुनना है तो आइदर ऑफ, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां नाइदर ऑफ के बारे में बात हो रही थी, तो नाइदर ऑफ मतलब दो में से एक भी नहीं, मतलब ये दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तीन वस्तु हो जाए तो, और हमें तीनों में से एक भी नहीं चाहिए तो किसका प्रयोग करेंगे, तो भी नाइदर ऑफ का प्रयोग सही होगा क्या, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। अगर तीन वस्तु, अगर दो से अधिक वस्तु मौजूद हो और हमें उसमें से किसी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो हम नाइदर ऑफ के जगह पर नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, नाइदर ऑफ के जगह पर नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्लियर। और अगर, फिर से समझिएगा कि अगर दो में से कोई एक वस्तु चाहिए तो आइदर ऑफ, अगर दो, अगर बहुत सारी चीजों में, ऐसे समझिए तीन है, चार है, पांच है, बहुत सारी चीजों में कोई अगर एक वस्तु चाहिए तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग आइदर ऑफ के जगह पर वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, बातें ध्यान में रहेगी। अब एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल है कि नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब देखिए चार बेटों में बात हो रही है, तो यहां नाइदर का प्रयोग गलत होगा, नाइदर के जगह पर क्या लिखना होगा, नन ऑफ, ठीक है। अगला देखिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसशिप। अब देखिए यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो जब बहुत सारे विद्यार्थियों में से बात हो रही है
तो वहां पर आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का प्रयोग हम सिर्फ दो ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बीच में हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ जब पूरे विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है तो वहां बहुत सारे हो गए, दो से अधिक हो गए, और अगर दो से अधिक हो गए तो आइदर ऑफ की जगह पर क्या करना होगा, हमें वन ऑफ का प्रयोग करना होगा साथियों। क्लियर? तो ये रूल नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 में एज सून एज कॉमा, इसका प्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है एज सून एज और कॉमा का, कि जैसे ही वैसे ही। ठीक है, एज सून एज है और बाद में अगर कॉमा है तो इसका अर्थ वही होता है कि जैसे ही और फिर वैसे ही। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखिए अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप। अब फिर से समझिएगा, यहां देखिए शुरुआत में एज सून एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एज सून एज ही विल कम, और बाद में कॉमा आई विल कॉल यू अप। ठीक है, अब आपको चेक करना कि ये सही है क्या। तो देखिए जैसे ही, ठीक है, जैसे ही मतलब ये एकदम तुरंत का बोध हो रहा है, ठीक है, जैसे ही मतलब तुरंत का बोध हो रहा है, तो यहां ही विल कम जो है साथियों ये गलत हो जाएगा। ही विल कम के जगह पर ही कम्स का प्रयोग सही होगा। ठीक है, तो वही देखिए पॉइंट के रूप में नीचे लिख दिया गया है कि अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक हो, ठीक है, अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरा काम का होना पहले काम पर निर्भर करे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे काम का होना पहले काम पर निर्भर करे तो पहला काम सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा आपका सिंपल फ्यूचर, ये चलेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रूल क्लियर हो गया होगा, रूल नंबर 8। अगला है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है कि इफ और विल, इसका जो है, इसका जो पेयर है वो देन नहीं होता। ठीक है, ये यहां पर इसलिए खास कर लिखा गया क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहां पर गलतियां करते हैं, इफ के साथ विन के साथ बहुत बार देन का प्रयोग करते हैं, तो कभी भी अगर विन लिखा है तो देन कभी नहीं हो सकता, अगर इफ लिखा है तो देन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि विन आई कम देन, गलत हो गया है ना, देन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, इसी प्रकार सिंस एज और बिकाउज, ये तीनों के साथ सो या फिर देयरफॉर का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर कहीं भी सिंस लिखा रहे तो उसके साथ सो या देयरफॉर नहीं, अगर एज लिखा रहे सो या देयरफॉर नहीं, और अगर बिकाउज लिखा रहे तो सो या देयरफॉर नहीं, अगर ये तीनों में से कोई भी है तो सो या फिर देयरफॉर का प्रयोग इसके साथ नहीं हम लोग कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ये सही है आपका। ठीक है, अगला देखिए, एज यू सो यू सेल यू रीप में, देखिए ये जो आपका था एज यू सो सो सेल यू रीप में, यहां पर एज के साथ सो का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एज के साथ सो का प्रयोग है तो यहां चलेगा ये। ठीक है, ये क्लियर, ये आपका नोट करके इसलिए लिखा गया था क्योंकि यहां पर एज के साथ सो का प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में देखिए तीन कंजक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला नो सूनर देन, दूसरा हार्डली वेन, और तीसरा स्कार्सली वेन। तीन कंजक्शन के बारे में यहां पर बात करेंगे रूल नंबर 10 में। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नोट नंबर 1 है इसके बारे में कि ये तीनों जो है ये कोरिलेटिव में इसका जो पेयर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब नो सूनर है तो देन होना चाहिए। ठीक है, हार्डली है वेन होना चाहिए, स्कार्सली है वेन होना चाहिए, साथ ही साथ नो सूनर जिसके पहले देन भी उसी के पहले होना चाहिए। ठीक है, वेन जिसके पहले हार्डली उसी के पहले होना चाहिए। तो ये बातें आप, ये इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। क्लियर, चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल कि नो सूनर डिड ही सी मी वेन ही रैन अवे। अब देखिए फिर से देखिए यहां पर नो सूनर के साथ किसका प्रयोग कर दिया गया, वेन का प्रयोग कर दिया गया। नो सूनर वेन होता है क्या, नहीं होता, नो सूनर के साथ तो देन का प्रयोग होता है, तो वेन हटाइए देन लगाइए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। अब फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत बार आपको फंसा गया, आपको लगा अच्छा नो सूनर देन, ये वो वाला देन थोड़ा, ये आपका देन है। ठीक है, टी एच ए एन है और यहां पर टी एच ई एन का प्रयोग कर दिया जो कि गलत है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है साथियों। ठीक है, और ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये फंसाया एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर आपको नहीं फंसना, अगर आप ये बातें सीख चुके हैं तो अगली बार से देन और देन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देन की जगह पर क्या हो जाएगा, देन सही होगा। क्लियर, चलिए अगला नोट देखिए, ये तीनों कंजक्शन का प्रयोग साथियों केवल पास्ट टेंस में ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीनों जो कंजक्शन है, तीनों कोरिलेटिव है, इसका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में ही करना होगा हमें। ठीक है, तो यह दूसरा नोट था। तीसरा है कि अगर वाक्य का शुरुआत हार्डली हो, स्कार्सली हो, अगर इससे हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है वाक्य का फॉर्मेशन जो है वो इंट्रोगेटिव के तरीके से होगा, यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हार्डली आई सॉ हिम
when I stopped my car. तो ये देखिए hardly और when का प्रयोग तो सही है, लेकिन hardly के साथ अभी देखिए point क्या कह रहा था कि अगर hardly, scarcely ये सब का प्रयोग अगर है तो उसके बाद जो भी वाक्य का सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो इंट्रोगेटिव के जैसा होगा। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में होता है, तो हार्डली के बाद आई सॉ हिम नहीं होगा बल्कि हार्डली के बाद डिड आई सी होगा। क्लियर, डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार, तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पर एक बात बहुत लोग के दिमाग में आता है कि अच्छा अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए था, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन भी होना चाहिए। तो साथियों ये इसका नियम है इंट्रोगेटिव में चेंज करना, ये इंट्रोगेटिव होता नहीं है, ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि इंट्रोगेटिव ये इसका नियम है, ये रियल में इंट्रोगेटिव नहीं होता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 11 है। इसमें देखिए कुछ और कंजक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला लिस्ट और शुड, दूसरा है और, तीसरा है एल्स और चौथा है अदरवाइज। तो ये चार कंजक्शन के बारे में इसमें देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल देखिए कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखिए लेस्ट अगर है तो इसके साथ शुड होना चाहिए, शुड को खोजे कहीं शुड है क्या, तो देखिए शुड के जगह पर यहां पर विल का प्रयोग कर दिया तो गलत होगा यहां पर। अगर लेस्ट कहीं दिख गया तो उसके साथ शुड जो है वो कंपलसरी है, शुड होना ही चाहिए, ठीक है साथियों। तो अगर लेस्ट के साथ शुड नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं गलत है, गलत कहां है तो यहां विल है, विल के जगह पर शुड होना चाहिए, तो विल के जगह पर शुड लिखे, अब ये आपका सही हो गया। क्लियर, तो ये जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कंजक्शन में जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका यही पेयर वर्ड वाला, यही आपको बहुत जगह फंसाता है, ठीक है, लिस्ट सूट जैसे ये आपका फंसाया, और भी बहुत सारा एग्जांपल आपने देख रखा है और भी देखने को मिलेगा अभी आपको। चलिए अगला रूल है रूल नंबर 12 है। इसमें हम लोग तीन के बारे में देखने वाले हैं, सबसे पहले अनलेस, अनटिल और टिल, ये तीनों के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले अनटिल और अनलेस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, अनटिल और अनलेस दोनों में अंतर क्या है। तो अंटिल अनलेस में अंतर यह साथियों कि अंटिल जो है वो समय को बताता है, अंटिल किसको बताता है, अंटिल जो है वो समय को बताता है और अनलेस जो है वो शर्त को बताता है, शर्त मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगा कि अंटिल किसको बताता है, अंटिल समय को बताता है, टाइम को बताता है, और अनलेस जो है वो शर्त को बताता है। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए कि अंटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, ठीक है। तो देखिए ये जो अंटिल है ये टाइम बता रहा है, ठीक है, ये टाइम बता रहा है। अगला देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड You won't succeed, तो ये शर्त बता रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये शर्त है, ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तो ये अनलेस जो है वो शर्त बताता है, ठीक है, और अनटिल जो है वो टाइम बताता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए टिल, ये दोनों का कहानी तो खत्म हो गया, अब टिल पर आते हैं। तो देखिए टिल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि टिल से कभी भी हम वाक्य का शुरुआत नहीं करते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि कभी भी टिल से हम सेंटेंस का शुरुआत नहीं कर सकते, तो टिल से शुरुआत नहीं कर सकते तो क्या करना होगा, तो टिल के जगह पर हमें अनटिल में चेंज करना होगा। तो यहां जो टिल है टिल के जगह पर आप अनटिल लगा दीजिए, ठीक है, टिल के जगह पर क्या लिखेंगे आप अनटिल, ये सही हो गया आप। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 है। इसमें अनटिल और अनलेस, ठीक है, फिर से अनटिल और अनलेस के बारे में बात की गई है। देखिए अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये बातें ध्यान में रखने की, कभी भी अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्लियर, एग्जाम्पल देखिए कि अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, तो देखिए इसमें नॉट का प्रयोग है, तो यहाँ नॉट का जो प्रयोग है साथियों ये नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो इसको सही करके क्या लिखेंगे कि अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। अब देखिए यहाँ पर जो डाउट क्रिएट ये होता है, ध्यान से समझिएगा, आपके मन में भी डाउट हो रहा होगा कि अच्छा अभी आपने बताया, आपको लग रहा होगा कि सर आपने बताया कि अनटिल के साथ निगेटिव का प्रयोग नहीं होता, क्लियर, तो अंटिल के साथ यहां नॉट का प्रयोग तो हटा दिया, तो इस वाले पार्ट का नॉट कहां गया, ये यहां भी हटना चाहिए था। तो देखिए अंटिल का प्रयोग नॉट के साथ नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस क्लाउज के बारे में, पूरे सेंटेंस के बारे में नहीं है। देखिए अगर अंटिल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्लाउज को चेक करना होगा, ठीक है, बाद का आगे का चेक आपको नहीं करना है, तो बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अंटिल और अनलेस के साथ विल, वुड और सेल का प्रयोग भी हम लोग नहीं करते, ठीक है, कभी भी अंटिल और अनलेस के साथ विल, वुड और सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। एग्जांपल देखिए कि अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट था, तो ये आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसके साथ देखिए इसके साथ अनलेस के साथ विल का प्रयोग कर दिया गया जो कि गलत है। कभी भी अंटिल दिखे अनलेस दिखे उसके साथ विल, वुड और सेल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे, विल को यहां से रिमूव करेंगे, यहां सिंपल लिखेंगे, तो अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ये सही होगा। अब देखिए दूसरे क्लॉज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
बस अनलेस जिस क्लॉज में उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, नोट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि कई बार शब्दों पर जोर देने के लिए दो कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस या एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए अनलेस एंड अंटिल, यहां पर दोनों का प्रयोग हमने एक साथ कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा होता है साथियों तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करना है, दोनों का जो अर्थ होता है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। जैसे अनलेस एंड अंटिल यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, तो इसका मतलब ही वही है जो आपका सिंपल वाला था। अगला एग्जाम्पल देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी वाज ओवर एंड अबव द एमआरपी, तो ये भी देखिए दोनों का प्रयोग कर दिया तो ये चलेगा, तो इसका अर्थ भी वही होता है। ठीक है, और देखिए इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि देखिए अगर इसको सिंपल वे में अगर हम लोग यूज करते तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस बनता, लेकिन अगर अनलेस एंड अंटिल प्रयोग कर दिया तो ये इस क्लॉज पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इस वाक्य पर जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए ओवर एंड एबव, तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, जब किसी बात पर कोई भी बात पर ज्यादा फोकस कराना होता है, ज्यादा जोर देना होता है, तब हम लोग डबल कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बात क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 14। सॉरी, एक और एग्जांपल बचा हुआ है आपका। अगला है, द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री। ठीक है, तो देखिए यहां पर फिर से आप देखिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, तो यहां भी हमने फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का प्रयोग कर दिया, तो फर्स्ट भी सेम है, फोरमोस्ट भी सेम है, इसका मतलब भी सेम ही होता है साथियों। क्लियर, तो फर्स्ट फोरमोस्ट का मतलब भी सेम होता है, लेकिन अगर हमने दोनों का प्रयोग एक साथ किया या फिर अगर कहीं जरूरत पड़े आपको एक साथ करने का तो वहीं पर करेंगे जहां पर ज्यादा वाक्य में हमें जोर देना, ज्यादा फोकस कराना। ठीक है, अगला देखिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो यहां देखिए खासकर कहा जा रहा है कि प्रत्येक, ठीक है, हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा, ठीक है, एग्जाम में भाग लेना है। ठीक है, तो यहां पर फोकस कराया जा रहा है, हर एक विद्यार्थी पर फोकस कराया जा रहा है, तो इसलिए हमने ईच एंड एवरी स्टूडेंट के बारे में बात की। ये क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 13। आगे बढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है कि डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद डैट का प्रयोग होता है। क्लियर, फिर से रिपीट करेंगे कि डाउट के बाद, देखिए कभी भी डाउट दिखे तो डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ और वेदर का प्रयोग ये जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव दिखे तो डाउट के बाद डैट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब तो ये डाउट के बारे में बात होगी, अगर डाउटफुल रहे तो क्या करेंगे, तो डाउटफुल के बाद भी, ठीक है, जैसा डाउट होता है वैसे ही डाउटफुल के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव में डाउटफुल के बाद डैट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका अलग पेयर बन गया, देखिए डाउट के साथ डैट, डाउटफुल के साथ डैट, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, और डाउट के साथ इफ या वेदर और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर, ये अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ये और ये दोनों क्लियर कर लीजिएगा, डाउट के साथ इफ या वेदर कब करेंगे और डाउट के साथ डैट का प्रयोग कब करेंगे, डाउटफुल के साथ इफ वेदर का प्रयोग कब करेंगे और डाउटफुल के साथ डैट का प्रयोग कब करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जांपल देखें इसका। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही डाउट्स डैट सी विल हेल्प मी, सॉरी हेल्प हिम। अब यहां ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां डाउट्स का प्रयोग है। ठीक है, आपको चेक करना है ये क्या है, तो ये आपका अफर्मेटिव है, और अगर ये अफर्मेटिव है तो यहां डैट का प्रयोग गलत होगा, बल्कि डैट की जगह पर हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखिए डैट की जगह पर डैट को कट करेंगे, ये आपका गलत हो गया, और इसके जगह पर हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा। अब ये सही हो गया। क्लियर, अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है कि आई हैव नो डाउट इफ या वेदर ही विल चीट मी। अब देखिए ये आपका नेगेटिव है साथियों, और अगर ये नेगेटिव है तो इसमें इफ वेदर कैसे आ गया, तो यहां पर इफ वेदर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इफ वेदर के जगह पर हमें डैट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इफ वेदर को कट करेंगे और इसके जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे, ये आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। अगला एग्जांपल देखिए कि आई एम डाउटफुल दैट माय पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अब देखिए डाउटफुल है, और देखिए डाउटफुल है, और उसमें किसका प्रयोग कर दिया साथियों, डाउटफुल के साथ हमने डैट का प्रयोग कर दिया, और ये है क्या आपका, ये आपका अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में डैट का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर डैट के जगह पर हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा, तो ये आपका गलत है, इसको हमने जब डैट से इफ या वेदर में चेंज किया तो ये आपका सही हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 है कि ही इज नॉट डाउटफुल इफ या वेदर आई विल फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम इन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां पर डाउटफुल है, डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का प्रयोग किया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो हमें पता चला साथियों कि ये आपका नेगेटिव हो गया, देखिए नॉट का प्रयोग है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का पेयर तो हमें पता है कि डाउट के साथ डैट होता है, डाउटफुल के साथ डैट होता है, तो यहां पर डैट होगा ना कि इफ या वेदर होगा, तो इफ वेदर को यहां से कट करेंगे और इसके जगह पर हम डैट लिखेंगे। क्लियर, तो अभी आपका सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, इसमें द सेम के बारे में बात की गई है।
ठीक है, 10 सेम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 10 सेम के बारे में बात की गई है कि 10 सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या एज का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कहीं दैट द सेम दिखे आपको, ठीक है, अगर कहीं भी आपको द सेम दिखता है तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या फिर एज का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब क्लियर हो। ठीक है, यहां क्लियर कर दिया बात कि जब, देखिए यहां सबसे पहला पॉइंट था कि द सेम के बाद दैट और एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द सेम के बाद दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका उसका वर्ब जो है साथी है वो क्लियर हो। ठीक है, जब उस सेंटेंस का वर्ब क्लियर हो तब द सेम के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अन्यथा एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड, देखिए वर्ब क्लियर, दैट का प्रयोग कर दिया हमने। अगला देखिए ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, ठीक है वर्ब क्लियर, दैट का प्रयोग हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए कि अगर इसका वर्ब क्लियर नहीं हो तो क्या करेंगे, किसका प्रयोग, एज का प्रयोग कर देंगे। द सेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि दिस इज द सेम बुक एज माइन, यहां देखिए वर्ब क्लियर पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा, तो अगर यहां पता नहीं चल रहा तो यहां जो एज का प्रयोग है वो इसका सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब एक और बात आपका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखनी है साथियों द सेम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एक और बात आपको ध्यान रखना है कि द सेम, ठीक है, अगर कहीं भी द सेम दिखे तो उसके बाद कभी भी हु या फिर विच का प्रयोग नहीं करना आपको। ठीक है, अगर कहीं भी द सेम दिखा तो उसके बाद हु या विच का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला रूल है आपका, आपके कंजक्शन टॉपिक का आखिरी रूल भी है, वो है आपका रूल नंबर 16। ठीक है, चलिए रूल नंबर 16 देखते हैं। रूल नंबर 16 है, इसमें कह रहा है कि एज एज एवं सो एज, इसका प्रयोग तुलना करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे कि एज एज और सो एज दो कंजक्शन है, तो दोनों का प्रयोग साथियों एज एज और सो एज, इसका प्रयोग हम लोग तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए एज एज का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, सो एज का प्रयोग कहां करेंगे, बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए एज एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों में करते हैं। ठीक है, एज एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वाक्यों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाक्यों में होता है। देखिए ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि एज एज सो एज दोनों सेम अर्थ होता है, दोनों का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है, लेकिन कहां कहां प्रयोग करेंगे, तो एज एज का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में करना होगा। बात क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, ये आपका पॉजिटिव था तो एज एज का प्रयोग चलेगा। अगला देखिए ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, तो ये निगेटिव था फिर भी एज एज चलेगा। ठीक है, एज एज के बारे में क्या बात हुई थी कि ये पॉजिटिव में भी चलेगा और निगेटिव में भी चलेगा। क्लियर, अगला देखिए ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, ये चलेगा क्योंकि ये नॉट है तो सो एज भी चलेगा, लेकिन अगर देखिए अगर इसका पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां सो एज हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो बातें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए, अगला रूल नंबर 16 का सेकेंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि एज एज एवं सो एज के साथ एडवर्ब एवं एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। क्लियर साथियों, अगर एज एज दिखे या फिर सो एज दिखे तो इसके साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ही रैन एज फास्टर एज ही कुड। अब बताइए अभी पॉइंट आपसे क्या, 16 रूल नंबर 16 का पॉइंट नंबर 2 आपसे क्या कहा, आपसे वो बता रहा था कि अगर कहीं भी एज एज दिखे या फिर सो एज दिखे तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही होगा। ठीक है, कौन सा डिग्री होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव डिग्री होगा, अब देखिए यहां पर एज एज का प्रयोग है और बीच में कौन सा आ गया, बीच में आपका फास्टर घुस गया। ठीक है, बताइए फास्टर क्या है आपका, फास्टर कौन सा डिग्री है, तो फास्टर आपको पता है कि फास्टर कौन सा डिग्री है साथियों, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये आपका गलत हो गया, तो हमें फास्टर को फास्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, फास्टर को किस में चेंज करना होगा, फास्टर को फास्ट में चेंज करना होगा, तो फास्टर के यहां पर आपको क्या लिखना होगा, फास्टर के यहां पर आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फास्टर को आप फास्ट में चेंज कर दें। चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 कि ही इज एज बेटर एज यू, फिर से देखिए एज एज का प्रयोग है तो बेटर के जगह पर किसका प्रयोग हमें करना होगा, इसका पॉजिटिव डिग्री करना होगा क्योंकि बेटर जो है वो आपका कंपैरेटिव में है, तो इसके जगह पर हमें गुड का प्रयोग करना होगा। क्लियर साथियों, तो ये आपका कंप्लीट कंजक्शन समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कंजक्शन समाप्त हो गया साथियों, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो इसके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।